लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाय 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 ओके हाय सुनो अभी तक कान खुजा रहे हो? मेरा केस बहुत सीरियस है, मुझे आपकी फीस भी मालूम है, 300 रुपया। मैं बहुत जल्द आपके सेक्रेटरी से मिलता हूँ। हाय हाय हाउ आर यू? फाइन हाउ आर यू? आई एम फाइन। ये वही गवैया है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी, हमारी बिल्डिंग में रहता है और ये वही पड़ोसी है जो नए नए आए हैं, हर कमरे में एसी वाले। हे गवैया, चलो ना एक दिन इनके फ्लैट में, बड़ा मजा आएगा। और ये नए पड़ोसी, चलो ना यू नो घूमने निकलते हैं, इनके पास गाड़ी है। हाँ क्यों नहीं। हाँ सर क्यों नहीं। हाय, यहाँ क्या कर रही हो? ओ हाय, चलो ना, कब से मैं ढूंढ रहा हूँ तुमको। चलो ना, मगन भाई आ गए हैं, उनसे मिल लो। डार्लिंग मगन, चलो चलो बैठे ना प्लीज। Very good, baby. Thank you very much. You have done very well. आइसक्रीम देना। चलो आज फैसला कर लेते हैं, ये गवैया मुझसे प्यार करता है और इस अजनबी परदेसी ने मेरा मन मोह लिया है। आज मैं आंखों पर पट्टी बांधकर जिसे छू लूं वो हार गया, और जो मेरी पकड़ में ना आया वो हमेशा के लिए मेरा जीवन साथी बन जाएगा। लेकिन हम तीनों को इसी दायरे के अंदर रहना है, तो शुरू होता है मेरी जिंदगी का अहम फैसला। 1 2 3 अरे अरे क्या कर रहे हो? पेड़ पर चढ़ गए, आदमी हो या बंदर? ए नहीं नहीं, पेड़ पर कोई नहीं चढ़ेगा, चलो नीचे उतरो, चलो चलो। पलट। पकड़ लिया। सॉरी सिंगर, तुम हार गए। अभी नहीं, एक मौका इस बेचारे को और दो, मैं ये पट्टी तुम्हारी आंखों पर बांधता हूं, और अगर तुमने इसको पकड़ लिया
तो ये तुम्हारी हो जाएगी। नहीं। अरे जिंदगी का क्या भरोसा, और फिर मैं ठहरा एक परदेसी, मेरा क्या आता पता। मुझे अपना पता बता दो, मैं उसे लिख लूंगी। आंधी के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। तो शुरू हो जाओ, पकड़ लो इसे। अरे नहीं नहीं। चलो भाग चलते हैं, मरने दो उस लंगड़े को। लंगड़ा। चलो ना। ओहो, वापस नहीं जाना है क्या? कहाँ खो गए? चलो डंडी फेंको। अरे आज हम दोनों इनके यहाँ मिलते हैं। ओके। बड़ा मजा आएगा, ये गाना गाएगा। गाना एसी और सीसी। एसी मतलब? एयर कंडीशन्ड कमरा, यानी कि ठंडा वातावरण। और सीसी? कोका कोला, यानी के मैं पिलाऊंगी। चलो चलो ना। चलो अंदर जल्दी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, कितनी देर से आए। मैंने चारों तरफ अच्छी तरह देख लिया है, मुझे आते हुए किसी ने नहीं देखा। मैं आ जाती ही सोऊंगी। क्या हुआ? झिलमिल साबुन, उठिए, मुझे नहाना है। मैं आज जा रहा हूँ शाम को जयपुर। चलिए जल्दी उठकर जाइए, आते वक्त किसी ने नहीं देखा, कहीं जाते वक्त ना देख लें। उठिए प्लीज। बेचारी बंबई में इतनी गर्मी में टीवी में काम करती है, बड़ी बड़ी लाइटों के सामने खड़े रहना, जरूर रुपयों की सख्त जरूरत होगी उसे। इतनी बड़ी बिल्डिंग में महंगे फ्लैट में रहना, आने जाने का खर्चा, कपड़े का खर्चा, मेकअप, लिपस्टिक, पाउडर, कहाँ से लाती होगी इतना रुपया? जरूर रुपया कमाने का कोई दूसरा जरिया होगा इसके पास। बंबई में एक खूबसूरत लड़की के लिए रुपया कमाना मुश्किल नहीं होता, बस किसी भी शादीशुदा बेवकूफ को फंसाया और फिर उसको निचोड़ दिया। अंग्रेजी में इस बात पर एक दूसरा फिक्रा भी तो होता है ना, क्या कहते हैं उसको? हाँ, ब्लैकमेल। नहीं, कहाँ गई? रवि से मिलकर मेरे सारे रुपए लेकर भाग तो नहीं गई? नहीं। हेलो, तुम अंदर हो क्या? गुड मॉर्निंग, मैं नहा रही हूँ। नहा रही है, अभी बाहर आ जाएगी। एक नया तौलिया निकाल कर दे दूं? नहीं नहीं, ज्यादती हो जाएगी। अगर कोई उल्टी खोपड़ी कहीं आ जाए तो यही समझेगा कि मामला गड़बड़ है। एक खूबसूरत लड़की बाथरूम में टोस्ट और चाय बना रही है और मैं रसोई में नहा रहा हूं, कितना भी समझा उनकी समझ में नहीं आएगा। कोई भी यहां आ सकता है। रवि, वो तो यहां आता ही रहता है, मौके बेमौके सीधा अंदर चला आता है। या फिर मनोहर जी या सुनीता,
हाँ सुनीता भी तो आ सकती है सुबह की फ्लाइट से, लेकिन वो सुबह सुबह यहाँ आकर क्या करने लगेगी भला? क्योंकि किसी ने उससे मेरे बारे में चुगली की है। कौन करेगा चुगली? रवि, उसी ने कल रात लड़की को यहाँ देखा होगा। हाँ रवि ने सुनीता को जयपुर में ट्रंकाव लगाया होगा और सब कुछ बता दिया होगा। सुनीता सीधी हवाई जहाज में है, एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर सीधा यहाँ आ रही है। सुनीता लिफ्ट में है, लिफ्ट से निकल कर लपक कर बाहर आ गई है। सुनीता दौड़ते दौड़ते यहाँ आ गई है और जासू का दरवाजा खोला, उसे दरवाजा खोल दिया। नहीं नहीं, इस घर में कोई औरत है, कहाँ है वो? नहीं नहीं सुनीता, यहाँ कोई नहीं है। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, मुझे सब मालूम है। किसने बताया तुम्हें? किसने बताया? उस रवि ने। मैं अरसे से तुम पर निगरानी रख रही। साला रवि। उसका नाम रवि नहीं है, उसका नाम है राजदान करण। साला करण। वो मेरा प्राइवेट जासूस है। अलविदा। क्या कर रही हो, क्या कर रही हो ये? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, तुम्हारी यही सजा है। मार दिया। सुनीता, सुनीता मैं मर जाऊंगा, तुम विधवा हो जाओगी सुनीता। कोई परवाह नहीं, भारतीय नारी मुक्ति महासभा की ओर से मुझे मानपत्र मिलेगा। महाप्रस्थान से पहले सिर्फ एक विस्की, वन फॉर द रोड। ओ ओ, अरे ये क्या कर रहे हो? एक पैग विस्की बस, एक ये पैग। क्या सुबह सुबह? ठहरो, मैं भी चाय नाश्ता बना कर देती हूँ। ओफो, क्या हो गया तुम्हें? चलो इधर आओ, चलो आओ, चलो। मुझे मार डाला, अब मैं नहीं बचूंगा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, सब मेरी गलती है। मैं तुम्हारे बिस्तर पर सो गई और तुम्हें रात भर इस सोफे पर सोना पड़ा। मुझे सोफे पर सोना था, मुझे बहुत बुरा लग रहा है सचमुच। सोफे की बात नहीं है सुनीता, को मेरे और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। उसने मुझे जान से मार डाला। क्या किया? तीर से, एक नहीं दो नहीं चार। क्या क्या क्या? सचमुच बहुत बुरा सपना देखा है। नहीं सपना नहीं, सपना नहीं। चलो चलो उठो, उठो ना। अच्छा एक बात समझ में नहीं आती है, कुछ लोगों के बालों में खुश्की होती है, कुछ छींकते ज्यादा है। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ, जैसे झट से सोच लिया कि सुनीता आ गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बिल्कुल नहीं सोचती। मुझ में और अच्छी बातें हैं, लेकिन सोचने के मामले में मैं बिल्कुल सिफर हूँ। मैं रसोई में नाश्ता बना रहा था, तभी एकाएक मैं सोचने लगा कि अगर सुनीता इस वक्त यहाँ आ जाए, तुम मेरे बेडरूम में और मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट टोस्ट बना रहा हूँ, तो वो तो मुझे जान से मार डालती। जरूर मार डालती। अगर मैं शादीशुदा होती और देखती कि मेरा ही पति मेरे ही बेडरूम में बैठी किसी दूसरी औरत के लिए ऑमलेट टोस्ट बना रहा है, मैं तो उसे मार डालती। तुम भी? हाँ मैं भी। ठाए ठाए ठाए। चलो चलो, तुम हमेशा उल्टा सीधा सोचते रहते हो। सुनीता कभी ऐसा कर नहीं सकती। हाँ ये बात तो है, अगर सुनीता सचमुच यहाँ आ जाती तो मुझे नहीं लगता वो मुझे मार डालती, कभी नहीं। हाँ शायद एक दो बार झाड़ू जरूर मारती, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। झाड़ू मारती? हाँ मार भी सकती थी, या शायद नहीं, एक बार तकिया फेंका था मेरी तरफ। जानती हो अगर सुनीता यहाँ आ जाती और तुम्हें बाथरूम में देखती तो क्या सोचती? सोचती कोई प्लम्बर नल ठीक कर रही है। औरत प्लम्बर? हाँ वो यही सोचती, और कुछ नहीं, बहुत भरोसा है उसे मुझ पर। कैसी है तुम्हारी पत्नी, तुम्हें प्यार नहीं करती? हाँ प्यार करती है, प्यार क्यों नहीं करेगी। उसने मेरा पीना छुड़वा दिया, उसने सिगरेट पीना बंद करवा दिया, मुझे बहुत ब्लड प्रेशर था वो भी ठीक करा दिया, प्यार क्यों नहीं करेगी। वो तुम्हें अपनी निगरानी में नहीं रखती, तुम पर शक नहीं करती? बिल्कुल नहीं,
शक क्यों करेगी? भला मुझ जैसे आदमी पर कोई क्या खाकर शक करेगा जो दफ्तर और घर के अलावा कोई तीसरी जगह जानता ही नहीं है। वक्त से घर, वक्त से टीवी, वक्त से आना, वक्त से जाना, बहुत भरोसा है उसे मुझ पर। पिछले नए साल की पार्टी में मैं देर से घर लौटा तो मेरे कमीज के बटन के पास एक लिपस्टिक का दाग था। जानती हो उसने उस निशान को देखकर क्या बोली? बोली कि एक कमीज पर टमाटर की चटनी का दाग लगाकर कहां से आ गए। ये बिल्कुल गलत है। हाँ हाँ, मुझे किसने चूमा बताऊं? तुम्हें सच सच बता रहा हूँ, मिसेस कथूरिया ने। 50 साल की बुढ़िया। सुंदर जवान लड़कियों का क्या दिमाग खराब हो गया है जो मुझ जैसे ढीले ढाले और शादीशुदा आदमी को पसंद करें? ये बात है। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? तुम्हें कैसे पता सुंदर जवान लड़की को क्या चाहिए? सोचकर अंदाजा तो लगाया जा सकता है ना। तुम और तुम्हारा सोचना। तुम क्या समझते हो, लड़कियां सिर्फ गुड़िया होती हैं? वो किसी पार्टी में जाती हैं और वहां किसी भड़कीले फैंसी कपड़े पहने नौजवान को देखती हैं जो ये सोचता है कि वो गजब का दिलकश नौजवान है और सारी लड़कियां उसकी तरफ चुंबक की तरह खिंची आती हैं और सचमुच में लड़कियां उस पर मर मिटती हैं। तुम यही सोचते हो ना? यही तो होता है। ऐसा नहीं होता। उसी पार्टी में दूसरी तरफ एक और नौजवान होता है, किसी कोने में चुपचाप बैठा हुआ, सहमा सा, शर्माता हुआ। लड़कियां पहले उसे देखकर भी नहीं देखती, लेकिन फिर उसकी तरफ गौर से देखती हैं। वो एक सीधा साधा, नर्म और हसमुख नौजवान है। वो फिर उसे देखती रहती हैं। यही है लड़कियों की असली पसंद, उनकी सच्ची भावना। अगर मैं तुम्हारी पत्नी होती तो मैं तुम्हें हमेशा संभालकर अपनी निगरानी में रखती, किसी की नजर नहीं पड़ने देती तुम्हारे ऊपर। तुम एक सच्चे, सीधे साधे, नर्म और हसमुख इंसान हो। धन्यवाद। जाओगे नहीं? कहाँ? दरवाजा खोलने। अच्छा तुम जाओ, देखो कौन आया। मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट टोस्ट बनाकर लाती हूँ। तुम? गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसा है तू? अरे तुम बंबई में क्या कर रहे हो? और सुनो, मुझे बच्चा मत कहो। आज सुबह ही मैं हवाई जहाज से आया हूँ। ऑमलेट बन रहा क्या? नहीं। खैर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी घरेलू बातें करनी है। आर यू श्योर ऑमलेट नहीं बन रहा है? बिल्कुल नहीं। और तुम्हें मुझसे घरेलू बातें करनी है मेरे घर के बारे में? और नहीं तो क्या, मेरे घर के बारे में? देखो, मुझे मुंबई कुछ जरूरी काम से आना पड़ा और सुनीता ने कहा कि मैं तुमसे जरूर मिल लूं। सुनीता ने कहा? अच्छा हुआ सुनीता ने तुम्हें मुझसे मिलने को कहा, वरना मैं तुमसे खुद मिलने वाला था। तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? क्या बात है बच्चे, तू तो कुछ अजीब तरह से पेश आ रहा है। तुम अपने आप को बहुत 30 मार्का समझते हो? क्या बकवास कर रहे हो। मौसम सुहाना है, घर नहीं जाना है। आज सुबह सुबह कुछ ज्यादा पी ली है क्या? अच्छा, तुम सुनीता को बग्गी में घुमाने नहीं ले गए थे क्या? अरे नहीं, सुनीता तो कुछ और लोगों के साथ थी, 10-12 औरतें, बच्चे। पर जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। अबे पागल हो गया है क्या? भागो यहाँ से। अगर सुनीता ने तुम्हें तलाक के लिए भेजा है, तलाक तो मैं नहीं दूंगा। सुनीता ने मुझे तलाक के लिए नहीं भेजा है, उसने कहा है कि मैं राजा का खिलौना लेकर चला हूँ। शट अप, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, सफाई दूंगा, साफ साफ बता दूंगा कि लड़की मेरे बेडरूम में क्यों थी और मैं आमलेट टोस्ट क्यों बना रहा था। रुको रुको अजय, एक मिनट, बेडरूम में कौन थी? अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम और सुनीता जानना चाहते हो कि बेडरूम में कौन थी? हाँ। माधुरी दीक्षित थी। अरे ये क्या कर रहे हो अजय, सुबह 8:30 बजे पूरे धुत? मैं जयपुर के आर्य शिखावत, नहीं, मैं सोली सोराब जी, नानी पालकी वाला और घगराट एंड कंपनी के दूसरे वकीलों के साथ हिंदुस्तान के सारे वकीलों को रखूंगा, जजों को रिश्वत दूंगा, लेकिन मैं सुनीता को तलाक नहीं दूंगा। अरे बेवकूफ गधे, सुनीता को तलाक नहीं चाहिए, सुनीता को चाहिए सिर्फ राजा का खिलौना, बस। खिलौना चाहिए? किधर गया? हाँ, सुनीता चाहती है तुम राजा के लिए खिलौना लेकर जाओ। अरे अपने सड़े हुए दिमाग में इस बात को अच्छी तरह घुसेड़ लो, अगर राजा के लिए कोई खिलौना लेकर जाएगा तो वो मैं लेकर जाऊंगा, मैं। ओफो, इतनी ताकत कहां से आ गई इसमें? सच्चा प्यार इंसान में ताकत पैदा कर देता है, और तुम भड़कीले फैंसी कपड़े पहनने वाले हो और तुम समझते हो कि दुनिया की हर लड़की तुम्हारी तरफ चुंबक की तरह खींची आती है। मैं तुम्हें आगाह किए देता हूँ, सुनीता सिर्फ मुझे प्यार करती है,
और तुम जानते हो वो मुझे क्यों प्यार करती है? वो मुझे प्यार करती है क्योंकि मैं एक सीधा साधा सच्चा नम्र और हंसमुख इंसान हूँ। नाश्ता तैयार। तुम्हारी तरफ। ये कौन है? ये है शेखर कुमार जी, मेरे जयपुर के जिगरी दोस्त। राजा का खिलौना लेने आए। हाय। हाय। आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। ये तुम्हारा मुझे समझाना, मेरी दुविधाओं को दूर करना, शेखर का यहां आना, मेरा मन सचमुच हल्का हो गया। मैं आज शाम को ही जयपुर चला जाऊंगा। नहीं, शाम को क्यों, मैं सुबह की फ्लाइट से चला जाता हूं, अभी भी वक्त है। गुड मॉर्निंग मैम। ये रहा आपका खिलौना और ये रहा आपका टिकट शाम की फ्लाइट का। नहीं, मैं सुबह ही चला जाऊंगा, मैं जयपुर जाना चाहता हूं अभी इसी वक्त। रवि जी, आप गाड़ी पोच में लेकर आइए, मैं कपड़े चेंज कर आता हूं। ओके। सॉरी, मैं तुम्हारा ऑमलेट टोस्ट नहीं खा सका, जरा जल्दी में हूं। कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा नाम क्या है? चांदनी। मेरा नाम अजय है। जानती हूँ। अच्छा, चलता हूँ। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। और सुनो, अगर तुम्हें इस ठंडे फ्लैट में दो चार दिन रहना है तो रह लेना, मैं रवि से कह दूंगा। फ्लैट की चाबी छोड़े जा रहा हूं। अरे सुनो, अपनी पत्नी के लिए एक तोहफा लेते जाना। नहीं नहीं, इसे पोछना मत, सुनीता से कहना ये टमाटर की चटनी है। अरे क्या हुआ? तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। तुमने कहा था ना, लड़कियां उस नौजवान को पसंद करती हैं जो किसी पार्टी में किसी कोने में चुपचाप बैठा हो, सहमा सा शर्माता हुआ, जिसे देखकर भी लड़कियां नहीं देखती लेकिन फिर उसे गौर से देखती हैं। तुम्हारा ये गवैया लगता है वैसा ही है, चमकीले भड़कीले फैंसी ड्रेस पहनने वाला लड़का नहीं है, बल्कि एक सीधा साधा नम्र और हंसमुख नौजवान है। तुमसे जिंदगी में दोबारा कभी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन अगर तुम इस लड़के से शादी करोगी तो मैं जरूर मिलूंगा। गुड लक। ओके। अरे सुनिए, पैंट पहनना ही भूल गए। सॉरी। कार में पहन लूंगा। चांदनी। हाय चांदनी, देखो मैंने एक नया एसी खरीदा है, अब तुम जब भी चाहो मेरे कमरे में आ जाना, मैं ना रहूं तब भी, और मैं तुम्हें चाबी दे देता हूँ, ठीक है? तुमको ही देखा करूं।